तो भैरव जी बाबा जी के दर्शन किए हैं, बहुत ही अच्छा लगा है। भैरवनाथ के चरणों में धूप लगाया है। वीरभूमि चित्तौड़गढ़ मात्र 10 स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है और यहाँ पर देखिए तेल पूरा चढ़ाया जाता है और ऊपर से ये सीधा से उतरता हुआ नीचे आया है और नीचे वापस इसमें आते के बाद ये ज्योत जो है निरंतर जो आप दीपक जला देख रहे हैं जलता हुआ, ये दीपक जो है ये इसी तेल से जलाया जाता है। अलग अलग देखें हम देवी देवताओं को अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन यहाँ तेल सीधा ऊपर चढ़ाया जाता है शिला के ऊपर और फिर वो जो नीचे आता है और फिर दीपक जलता है। बहुत ही अच्छा लगा। हमारे देश भी बनाए रखे, हमारे देश में जो महामारी आई है उसे जल्दी खत्म करें ताकि हमारे स्वच्छ और अच्छा जीवन जी सके। मैं नगरवासियों से देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि आइए अब कोई बीमारी न रखें, अपने आसपास कोई गंदगी न करें, बीमारी को बिल्कुल शरण नहीं दें, गंदगी मुक्त देश बनाए और गंदगी मुक्त वातावरण बनाकर हम अपने आप को सुरक्षित करें, अच्छा जीवन जिए, हेल्दी जीवन जिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज वीरभूमि चित्तौड़गढ़ में आने का अवसर मिला है, हमारे समाज के टूर्नामेंट हो रहे हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट, उसमें भाग लिया है। आशा करते हैं कि हमारे सब उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करें। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसी अवसर पर आने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।